तो गाइस अबे एक सेकेंड, ओ भाई साहब ड्रोन क्रैश हो गया। तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल मेरे पास M3 Max ड्रोन है और ये वाला ड्रोन है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ड्रोन को डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ड्रोन का हम बैटरी बैकअप कंपेयर करने वाले हैं, किसका जो बैटरी है बेटर चलता है। उसके बाद हम इस ड्रोन का फ्लाई क्वालिटी भी टेस्ट करने वाले हैं, कौन सा ड्रोन आपको बेटर फ्लाई क्वालिटी देने वाला है, बेसिकली कौन सा ड्रोन अच्छा उड़ता है। और गाइस दोनों ड्रोन का हम स्टेबिलिटी भी चेक करने वाले हैं कि दोनों ड्रोन में कौन सा ड्रोन स्टेबल रहने की कोशिश करता है, ज़्यादा हवा चलने के बाद भी कौन सा ड्रोन बेटर तरीके से स्टेबल कर पाता है आपको। और लास्ट में हम दोनों ड्रोन का कैमरा कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि दोनों ड्रोन में से किसका कैमरा आपको बेटर दिखने वाला है, साइड बाय साइड आपको कैमरा दिखाने वाला हूं। तो मस्त इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा ड्रोन बेस्ट है। तो गाइस ये रहा अपना दोनों ड्रोन, हमने ऑन कर लिया है। चलिए इसका फ्लाई क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में अभी फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम दोनों ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो दोनों ड्रोन अपना ऑन हो चुका है। अब चलिए हम दोनों ड्रोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो दोनों ड्रोन जो अपना कनेक्टेड हो चुका है रिमोट के साथ। तो गाइस चलिए फटाफट से हम दोनों ड्रोन को वन की टेक ऑफ कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो अपना वन की टेक ऑफ हो चुका है और देख सकते हो हल्का सा क्रैश भी हुआ था। तो गाइस देख सकते हो फिलहाल दोनों जो ड्रोन है मतलब काफ़ी स्टेबल उड़ने की कोशिश कर रहा है। और ड्रोन को एक बार तुम छोड़ के देखो कहाँ जा रहा है, अभी हवा भी चल रही जगह पर, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो उससे ज़्यादा ड्रोन स्टेबल ये है, मतलब M3 Max से ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला अपना ड्रोन स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। और उससे ज़्यादा ये ड्रोन भारी है, ठीक है। फिर भी देख सकते हो काफ़ी सही उड़ रहा है। और इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं तो गाइस देख सकते हो काफ़ी मतलब बेस्ट तरीका से उड़ने की कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली में भाई एक जगह पे दो ड्रोन देखने में मतलब काफ़ी जहर लग रहा है। तो चलिए गाइस अब इसका हम कैमरा कंपैरिजन आपको करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हो दोनों ड्रोन का हमने कैमरा को कनेक्ट कर लिया, देख सकते हो क्लियरली। और अभी फिलहाल आप देख सकते हो लाइव। चलिए हम दोनों का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और दोनों ड्रोन को हम फ्लाई करते हैं एक साथ में और फिर आपको दिखाते हैं। तो रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम वन की टेक ऑफ कर देते हैं। देख सकते हो गाइस ड्रोन जो अपना वन की टेक ऑफ हो चुका है और इतना हाइट पे हो चुका है। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो दोनों अपना ड्रोन जो फ्लाई हो रहा है। और दोनों का कैमरा एक बार दिखाओ इसमें। तो गाइस देख सकते हो दोनों का कैमरा, मेरे हिसाब से कैमरा इसका बेटर आ रहा है। आप लोग भी देख सकते हो क्लियरली इसका कैमरा बेटर है इसके मुकाबले। इसमें उतना कुछ खास मेरे को कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन M3 Max का कैमरा मेरे हिसाब से बेटर है। और आई होप कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इस वीडियो को मैं साइड बाय साइड आपको करके भी दिखा रहा हूँ। और इसका मैं कैमरा नीचे करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से नीचे हो गया। चलो थोड़ा सा मैं इस ड्रोन को मतलब उसके पास में लेके जाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मतलब कैमरा के मामले में बेस्ट है मेरे हिसाब से M3 Max। तो चलिए थोड़ा सा हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं हाइट पे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो दोनों कैमरा हमने मतलब सेम टाइम पे कनेक्ट कर लिया है, मतलब बेसिकली सेम सीन दिखाई दे रहा है दोनों में। और मेरे हिसाब से कैमरा बेटर इसमें आ रहा है इसके मुकाबले, M3 Max का कैमरा बेटर है। तो कैमरा में आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो आपको बेटर जो है कैमरा इसमें देखने को मिलता है, बेसिकली M3 Max में। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो दोनों जो ड्रोन है अपना फ्लाई हो रहा है। और अब हम क्या करने वाला है, इसका दोनों मतलब ड्रोन में ऑप्टिकल एवोडेंस सेंसर दिया है। तो चलिए हम अब इसका ऑप्टिकल एवोडेंस जो सेंसर है उसको टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि दोनों में प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस फिलहाल मैं ये ड्रोन उड़ा रहा हूँ तो मैंने ऑप्टिकल एवोडेंस चालू कर दिया, ठीक है। अभी इसके सामने कुछ लाते हैं। तो गाइस देख सकते हो, देखो कैसा चिल्ला रहा है, टिक 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 टिक, ठीक है। इसमें टिक 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 चिल्लाता है, लेकिन इस वाले ड्रोन में देखना क्या होगा, चालू करके रखे हो ना। तो गाइस अबे एक सेकेंड, ओ भाई साहब ड्रोन क्रैश हो गया। तो गाइस अभी फिलहाल में M3 Max जो ड्रोन अपना फ्लाई हो रहा है और इसके ऑब्जेक्ट के सामने कुछ भी लाते हैं तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये होता है, ठीक है। यानी कि इस ड्रोन के अंदर ना ऑप्टिकल एवोडेंस में क्या होता है, कुछ भी सामने ऑब्जेक्ट आता है तो ये पीछे की तरफ भागता है। जैसे कि पीछे हम कुछ लगाते हैं ऑब्जेक्ट, देख सकते हो आगे की तरफ आ रहा है और रिमोट में देखो कितना तेज चिल्ला रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर चिल्लाता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आवाज़ आता है सिर्फ, वो जो ड्रोन अपना बड़ा वाला वो ड्रोन के अंदर पीछे भागने वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो मतलब इस ड्रोन से बेटर मुझे लगा। अगर दोनों को साइड बाई साइड मतलब उड़ा रहे हो ना आप लोग तो आपको पता चलेगा कि भाई वो जो ड्रोन है बेटर है इस ड्रोन के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से वो ड्रोन रेकमेंडेड है, वो भारी भी है और इससे बेटर भी है, फ्लाई भी आपको अच्छा देखने को मिलता है इस ड्रोन के मुकाबले। और ड्रोन का भाई बैटरी बैकअप की बात करना तो उस ड्रोन का बैटरी बैकअप बेटर है इस ड्रोन के मुकाबले। M3 Max का ड्रोन का जो बैटरी है वो कमज़ोर है, उस ड्रोन का जो बैटरी है वो काफ़ी पावरफुल है और इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अभी देख सकते हो वही मतलब बैटरी मैं चला रहा हूँ जो इसके साथ उड़ा रहा था, लेकिन जो M3 Max का बैटरी है वो फिलहाल ख़त्म हो चुका है। M3 Max का जो बैटरी हमने अभी जस्ट रिप्लेस किया है, नया बैटरी डाला हूँ तब जाके ये फ्लाई कर रहा है। तो मतलब उसका एक बैटरी और इसका दो बैटरी मतलब ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसा आप बोल सकते हो। और हवा भी चल रहा है ना तो भी काफ़ी ज़्यादा वो स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है ड्रोन।
तो गाइस ओवरऑल इस दोनों ड्रोन को कंपेरिजन करने के बाद मुझे ये रिजल्ट आया है कि दोनों ड्रोन में से बेस्ट ड्रोन ये है और विनर जो है यही ड्रोन निकला हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ना सिर्फ कैमरा आपको बेटर देखने को मिलता है, बाकी सारे के सारे चीज़ें इससे कमजोरी है कितना भी है। तो इसका जो कैमरा है उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो कैमरा है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसके मुकाबले। आपको मैंने लाइव दिखा दिया साइड बाई साइड वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर फिर से रिवर्स करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें ना भाई, इसका बैटरी बैकअप, इसका स्टेबिलिटी, इसका फ्लाई क्वालिटी, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन इसका जो है मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा। इसका स्टेबिलिटी भी उतना आपको बेटर देखने को नहीं मिलता, इसका बैटरी बैकअप भी उतना आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका अंदर ऑप्टिकल एवोडेंस है ना वो काफ़ी मस्त है भाई। मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना इसके सामने तो तुरंत तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन ये जो ड्रोन है बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। रिमोट में भले आ जाता है टिक 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 टिक, लेकिन हटता नहीं है भाई, वहीं पर डटे रहता है, लेकिन स्टेबल रहता है। ये जो ड्रोन है मतलब जैसे कि उसके सामने कुछ आता है तो फटाक से पीछे आ जाता है। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। इन दोनों ड्रोन में से आपको बेस्ट ड्रोन कौन सा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना, और इन दोनों ड्रोन के ऊपर कौन सा वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ में बना भी चुका हूँ, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट से, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेगा इन दोनों का। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।